नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम यूरिन से संबंधित, यानी कि यूरिन में इरिटेशन हो रहा है, जलन आ रही है, बार बार जाना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन्स जो आप डायरेक्ट मार्केट से परचेज कीजिए, यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत नहीं है यदि ये चीज़ आपको पहली बार हो रही है तो। बाकी ये बार बार होती रहती है तो आप इसके लिए यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह या कोई पस्सेल वगैरह तो आपके नहीं बढ़ गए, ब्लड यूरिया वगैरह तो नहीं आ रहा है ज़्यादा तो। लेकिन जनरली जो इरिटेशन आ जाता है बार बार थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप बढ़िया जो मेडिसिन है होम्योपैथी की वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ही मेडिसिन हैं, लक्षण छोटे छोटे अंतर हैं, ज़्यादा नहीं हैं, आप उस हिसाब से उनको लीजिए। और आपकी ये समस्या है ये कुछ ही डोजों में या कुछ दिनों में ही लगभग ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिस मेल। एपिस मेल 30 सुबह शाम आप यूज़ कीजिए, 10-10 बूंदें वही पानी मिला के लेना है। जिन सिम्टम्स पे लेना है एपिस मेल, जिस सिम्टम्स पे लेना है वो मैं बता देता हूँ कि पेशेंट को प्यास बहुत कम रहती है, पेशाब में जलन आती रहती है, प्यास कम है, पेशाब में जलन आ रही है, हाथ पैरों पे स्वेलिंग भी आ सकती है यदि वयस्क है और उससे बड़े व्यक्ति हैं तो। प्यास कम है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाए हाथ पैरों पे और पेशाब में जलन आती रहे, प्रॉपर पेशाब नहीं आए, उसके लिए आप एपिस मेल लीजिए। आपको कुछ डोजों बाद ही आपका यूरिन आराम से आने लगेगा, स्वेलिंग है 1-2 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप एपिस मेल 30 10-10 बूंद सुबह शाम पानी में डाल के पी सकते हैं। दोस्तों, अगली मेडिसिन है कैंथेरिस। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पेशाब जाते भी हैं लेकिन आता नहीं, और भयंकर जलन करता है, करके आए हैं बाथरूम और फिर ऐसा लग रहा है कि बस अभी तो रह गया कुछ, मुझे फिर जाना है, फिर जाके आए फिर ऐसा लगता है कि कुछ अभी और आने वाला है, जलन हो रही है, फिर जाता हूँ। यानी कि एक बूंद भी ऐसा एहसास दिला देती है कि भाई मुझे दोबारा जाना है। ऐसी कंडीशन हो, थोड़ा सा पेशाब गए, जलन आ रही है, इरिटेशन आ रहा है, और कभी कभी प्रॉपर पेशाब भी नहीं आता कैंथेरिस को, और ब्लड आने की भी नौबत आ जाती है, ऐसा लगे कि मेरा रेड यूरिन है, आप कैंथेरिस लीजिए, आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगली मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम। जी हाँ, पेट्रोसेलिनम 30 सुबह शाम वही सेम डोजें होती हैं, वही तरीका होता है। पेट्रोसेलिनम 30 आपको लेनी किन लक्षणों पे है, पेशाब तो हम जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरिटेशन आता है कैंथेरिस में, पेशाब प्रॉपर नहीं आता, एपिस में प्रॉपर नहीं आता पेशाब, लेकिन पेट्रोसेलिनम पेशाब आता है, लेकिन जलन होती रहती है, बार बार जाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में आप पेट्रोसेलिनम लीजिए, आपको उस जलन में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। बाकी 2 से 3 या लास्ट 4 दिन में आपको आराम नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको और कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड में स्टोन हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है अंदर, या पस सेल, ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह ऐसी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए आप इन चीज़ों का रिलेटेड एग्जामिनेशन करा लें। बाकी एक्यूट कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।